माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर सोमवार से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप भी पहले दिन घट स्थापना करते हैं तो यहाँ जान लीजिए कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत 26 सितंबर से हो गई है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 को दशमी तिथि यानी कि दशहरा के साथ समाप्त हो रही है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 3:24 से हो रही है और 27 सितंबर सुबह 3:08 तक रहेगी। शारदीय नवरात्रि 2022 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:20 से शुरू होकर सुबह 10:19 तक रहेगा। यदि बात करें कि पूजा सामग्री की लिस्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं तो उसमें होता है लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल मिठाई या फिर कलावा भी आप ले सकते हैं। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें, माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें, प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं, धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाना ना भूले। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।